नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अफसान न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी। आइए शुरुआत करते हैं देश भर की सभी छोटी बड़ी खबरों के साथ। शहीद भगत सिंह सेना द्वारा शिकारपुर में हिंदू युवा मिलन सम्मेलन आयोजित किया गया। सैकड़ों राष्ट्रभक्त युवाओं ने जातिवाद और मतभेद छोड़कर एकजुटता का लिया संकल्प। शिकारपुर समाज की एकता जागरूकता हेतु समर्पित संगठन शहीद भगत सिंह सेना द्वारा श्यामलाल सरस्वती कॉलेज में आयोजित हिंदू युवा सम्मेलन में जातिवाद एवं आपसी मतभेद भुलाकर संगठित होने, देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कराने, युवाओं को संस्कारित व सेवाभावी बनाने का संकल्प लिया गया। मुख्य अतिथि जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी, शहीद भगत सिंह सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय हिंदू, राष्ट्रीय चेतना मिशन के अध्यक्ष हेमंत सिंह, कार्यक्रम संयोजक मोनू हिंदू आदि ने भारत माता व हनुमान जी के चित्रों के समक्ष दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। सम्मेलन में सम्मिलित दर्जनों युवाओं ने मंच पर आकर विभिन्न सामाजिक व राष्ट्रीय विषयों पर अपने अपने विचार रखे। तो इसलिए सिंहों की शक्ति का संचय, सिंहों की शक्ति का जो प्रदर्शन आज गहनी के माध्यम से हुआ है, निश्चित रूप से ये सभी सिंह अपने अपने क्षेत्र में अन्य सामाजिक लोगों को भी, समाज के सभी युवाओं को भी जोड़ने के लिए, इस समाज की रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए, क्योंकि ये समझ लीजिए कि आप किसी और समाज यानी किसी बात चल रही है जो हम पर हमला करने को तैयार है, जिहाद अनेक समस्याओं, कठिनाइयों, चुनौतियों की चर्चा कर उनके समाधान पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। देश के विरुद्ध षड्यंत्र एवं दुर्भावना रखने वाले जिहादियों का आर्थिक बहिष्कार की भी घोषणा की गई। मुख्य अतिथि अनिल चौधरी ने अपने ओजस्वी संबोधन में देश के गौरवशाली इतिहास में महापुरुषों के योगदान को स्मरण कराते हुए सभी युवाओं के स्वाभिमान को पुनर्जागरण किया। उन्होंने सनातन हिंदू समाज के मान बिंदुओं के पुनरुत्थान में लगे केंद्र व प्रदेश सरकारों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि देश के भविष्य को बचाने के लिए भारत सरकार को जल्द से जल्द ही कठोर जनसंख्या कानून बनाने की पुरजोर मांग की। विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय चेतना मिशन के अध्यक्ष हेमंत सिंह ने भी उपस्थित युवाओं में राष्ट्रभक्ति की ऊर्जा का संचार किया। शहीद भगत सिंह सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय हिंदू ने मंच संचालन करते हुए हर प्रकार के मन मुटाव को दूर कर एक दूसरे के साथ भाईचारे व एकजुटता का आह्वान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम बुलाना के मास्टर करतार सिंह ने की। समाज की सेवा व रक्षा में संलग्न सभी युवाओं को मंच पर भगवा पटका पहनाकर सम्मानित कर उत्साहवर्धन किया गया। इस खबर के प्रायोजक हैं सलीम बेंगल स्टोर। हमारे यहाँ हर प्रकार की चूड़ियाँ, कंगन, दुल्हन चूड़ा थोक और रिटेल में उपलब्ध है। हमारा पता है काली नदी रोड, फूलवाली गली, फैसलाबाद, बुलंदशहर।